ओलिवर ट्विस्ट। दुनिया एक अजीब जगह है, बुराई से त्रस्त और अच्छाई से बचाई जाने वाली, और हमारी कहानी हमें दोनों तरफ ले जाती है। ये कहानी है ओलिवर ट्विस्ट की, जो मटफोर्ड के शहर में लाया गया था अनाथालय में एक तूफानी बरसाती रात में। मुझे ये एक बेचारा बच्चा मिला, कृपया इसे अंदर ले लीजिए। ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट ने अपने जीवन के पहले 10 वर्ष एक अनाथालय में बिताए। ये 10 साल वो थे जब उसका कोई परिवार नहीं था, किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी, और तकरीबन खाना भी नहीं मिलता था उसे। ये तो बहुत थोड़ा है। कल रात मैं इतना भूखा था कि मैं सो ही नहीं सका। हमें और ज्यादा मांगना चाहिए। पर ऐसा करेगा कौन? रसोइया हमें पीट देगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। मेरे पास एक योजना है, जिस किसी को आधी स्टिक मिले वो और मांग ले। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कृपा करके मुझे थोड़ा और दीजिए। अभी अभी तुमने क्या कहा? कृपा करके मुझे थोड़ा और दीजिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा और ज्यादा लेना। उसे छोड़ दो। तुम मेरे खिलाफ बगावत करोगे? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ट्विस्ट। ना केवल ओलिवर को और शोरबा मांगने की सजा मिली, उसे कार्यशाला से बाहर भी निकाल दिया गया और उसे एक बढ़ई के पास भेजा गया उससे तालीम पाने के लिए। ये लो ओलिवर, यहाँ तुम काम करोगे। नोवा, अब ये लड़का तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब से ये तुम्हारे साथ रहेगा। उसे हमारी कला सिखाओ। जी हुजूर। तो हमें क्या मिला है? एक बीमार सा नन्हा प्राणी। मुझे तुमसे क्या फायदा होगा? मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगे? चलो भी, ये कभी नहीं होगा, समझ गए? फिर मैं मिस्टर सावाबेरी को बता दूंगा। सचमुच? ये क्या, मिस्टर सावाबेरी? मिस्टर सावाबेरी, मैंने देखा कि उस नए लड़के ने नोवा को धक्का दिया। मैं लकड़ी पर गिरा और ब्लेड ने शायद मुझे मार ही डाला होता हुजूर। लेकिन सुनिए, बहुत हो गया ओलिवर। अगर मैंने सुना कि तुम दोबारा इस तरह की हरकत कर रहे हो तो मैं तुम्हारी खुद खबर लूंगा। समझ में आया तुम्हें? बेहतर है तुम इसके आदि हो जाओ। अनाथालय ने तुम्हें याद दे दिया 7 लंबे वर्षों के लिए। ओलिवर ने अपना सामान इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में भाग गया। वो कई हफ्तों तक चलता रहा। लंदन शहर के रास्ते पर चलते हुए, अपने अनाथालय से बहुत दूर और मिस्टर सावरबेरी और उस भयंकर नोवा से बहुत दूर। मीठे मीठे नर्म केक, बस 5 पैसे में 1, बस 5 पैसे में 1। ए लड़के, चले जाओ यहाँ से। गाओ से खाओ, ये वाला मेरी तरफ से है। धन्यवाद। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, नए हो क्या? हाँ, मेरा नाम जैक है, यहाँ लोग मुझे आर्टफुल डॉजर बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है ओलिवर, ओलिवर ट्विस्ट। भाग कर आए हो? फिक्र मत करो ओलिवर, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें अपने साथ बिना कुछ लिए रख लेगा। मेरे साथ चलो। धन्यवाद। आर्टफुल डॉजर उसे एक आदमी के पास ले गया जिसका नाम था फैगिन, जो लंदन के एक अलग थलग हिस्से में रहता था। आर्टफुल डॉजर और बहुत से और बच्चे उसके साथ रहते थे। दरवाजा खोलो, मैं आ गया। और तुम्हारे साथ वो कौन है? ये ओलिवर ट्विस्ट है,
ठीक है ना, ये मेरे साथ आया है। ओलिवर ट्विस्ट, तुम भूखे लग रहे हो बच्चे, चार्ली उसके लिए कुछ खाने को लाओ। मुझे वो हटा लेने दो, हम यहाँ बटुआ बनाते हैं। बैठो, लो वो रहा तुम्हारा खाना। शायद अपने जीवन में पहली बार ओलिवर ने जी भर कर खाना खाया और उसे जल्दी ही नींद आ गई। कल वो तुम सबके साथ बाहर जाएगा। इतनी जल्दी? जितना जल्दी सीख ले उतना ही बेहतर, वरना उसका मेरे यहाँ कोई फायदा नहीं। ध्यान रहे कुछ गलत ना हो, ठीक है? अगली सुबह फैगिन ने ओलिवर को दूसरे लड़कों के साथ धंधे पर भेज दिया। ओलिवर को कोई अंदाजा नहीं था कि धंधा क्या है। उसने बस ये मान लिया कि ये बटुआ बनाना था। जाओ और याद रखो, यहाँ रहने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है? जी बिल्कुल। शुभ दिन मिस्टर ब्राउनलो। शुभ दिन मिस्टर कॉलिंस। अब देखना। चोर, चोर! ओलिवर ये देखकर भौंचक्का रह गया कि फैगिन और उनके लड़कों का असली धंधा बटुए बनाना नहीं पर उन्हें चुराना था। आर्टफुल डॉजर और चार्ली भाग गए। भीड़ ने सोचा कि ओलिवर चोर है और वो उसका पीछा करने लगे। जल्दी ही एक पुलिसमैन उस तक पहुंच गया और ओलिवर को गिरफ्तार कर लिया। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें न्यायाधीश के पास ले जाऊंगा और तुम्हें जेल में 7 साल की कड़ी सजा मिलेगी। ऑफिसर, 7 साल? ये तो बहुत सख्ती है ना? नहीं, न्यायाधीश को इस पर से एक उदाहरण बनाना पड़ेगा, चोर के लिए यही बेहतर होगा। ओलिवर को अदालत में ले जाया गया और न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। मिस्टर ब्राउनलो ने एक छोटे बच्चे के लिए दया की याचना की, पर न्यायाधीश बहुत ही सख्त था और अप्रभावित भी। वो ओलिवर को 7 सालों तक जेल भेजने ही वाला था कि मिस्टर कॉलिंस वहाँ पहुँचे। लेकिन सुनिए, मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया है। ऑफिसर, तुमने उसे उस मौके वारदात से गिरफ्तार किया था? हाँ हुजूर, पूरी भीड़ उसका पीछा कर रही थी जब मैं उस तक पहुँचा। लेकिन हुजूर, 7 साल बहुत सख्त सजा है। अब कानून की कार्यवाही में दखल ना दे हुजूर, मैंने घोषणा की है कि ये बच्चा जेल जाएगा। रुकिए हुजूर। ये क्या है, तुमने अदालत की कार्यवाही में दखल देने की जुर्रत कैसे की? मैं क्षमा चाहूँगा हुजूर, पर ये बच्चा निर्दोष है, असली चोर भाग गया, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। ऑफिसर, तुमने असल में उसे चोरी करते नहीं देखा? नहीं सर। तो ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ कि इस लड़के को फौरन रिहा किया जाए। उनके पीछे जाओ। दरवाजा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। वो लड़का ओलिवर, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक चोर बनाओ। खैर, वो पहले से ही चोरी के लिए पकड़ा गया है। नहीं, वो रिहा हो गया है और अब वो मिस्टर ब्राउनलो के साथ है। ये जानकर राहत हुई, बेचारा लड़का। तुम्हें उसे वापस लाना होगा और उसे एक चोर में तब्दील करना होगा, और मुझे उसके बारे में हर बात बताओ। वो कहाँ से आया है, उसके माता पिता कौन थे, क्या उसने कोई लॉकेट पहना था जब उसे यहाँ लाया गया था? मुझे हर बात बताओ वरना मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। हम ओलिवर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते सिवाय इसके कि वो लंदन का नहीं है, वो मटफट के एक अनाथालय से आया है। अपनी इस परीक्षा के बाद ओलिवर बहुत परेशान हो गया था और उसे कुछ दिन लग गए संभलने में। मिस्टर ब्राउनलो के घर में उसकी अच्छी देखभाल हो रही थी। मिस्टर ब्राउनलो, वो ठीक हो जाएगा।
ये लड़का मुझे काफी विस्मित करता है। जब ये थोड़ा सेहतमंद हो जाए तब मैं जानना चाहूंगा ये कहां से है, इसके माता पिता कहां से हैं। तुम लड़के के अतीत के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हो? वो एक अनाथालय से है। वो मेरी एक दोस्त है। ओ, ओलिवर का चेहरा उससे कितना मिलता जुलता है। वो शायद उसकी माँ हो सकती है। बिल्कुल सही, वो परिवार की एक मित्र थी। मैंने 10 साल से उसके बारे में नहीं सुना है। ओलिवर तेजी से सेहतमंद हो रहा था और फैगिन ने आर्टफुल डॉजर से कहा कि वो मिस्टर ब्राउनलो के घर पर नजर रखे ताकि वो ओलिवर का अपहरण कर सके जैसे ही वो घर से बाहर निकले। और एक दिन मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर को पैसे दिए और उससे कहा कि किताबों की दुकान पर कुछ किताबें लौट आए। वो हमारा बेटा है, बस इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। हम उसे घर ले जाने आए हैं। चलो बेटा, हम तुम्हें वो नए जूते दिलवाएंगे। अब बस घर चलो और खाना खाओ। पैगिन ओलिवर को अपने घर ले गया और उसने उस रात डकैती की योजना बनाई ताकि वो ओलिवर को एक चोर बना सके, जैसे उसने मॉन्क्स से वादा किया था वैसे ही। उसे जाने दो। नहीं नैंसी, वो उस डकैती का एक हिस्सा होगा। उस रात फैगिन ओलिवर को ले गया एक बड़े दौलतमंद के घर में सेंध लगाने। खिड़की से अंदर घुसो और अंदर से दरवाजा खोलो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितनी बुरी सजा दूंगा। अब जाओ। कौन है वहाँ? कौन घुस आया घर में? भागो! ये घर मिस रोज मेफिल का था और वो दया से भर गई जब उसने ओलिवर का मासूम चेहरा देखा। उसने ओलिवर की देखभाल की। एक दिन एक अजीब मेहमान उससे मिलने आया। ये ओलिवर के बारे में है, मुझे आज रात 12 बजे लंदन ब्रिज पर मिलो प्लीज। ओलिवर, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं मिस, लगता है ये औरत नैंसी है जो फैगिन के गिरोह से है। मैं किसी को जानता हूँ जो मदद कर सकता है। कौन? मिस्टर ब्राउनलो, वो मुझ पर बहुत दयालु थे जब मैं उनके साथ था। ओह, मिस्टर ब्राउनलो मेरे पारिवारिक मित्र हैं। मैं उनसे तुरंत बात करूंगी। तो मिस रोज ने मिस्टर ब्राउनलो से बात की और उस रात वो लंदन ब्रिज जाने के लिए राजी हो गए। नैंसी उनके लिए रुकी हुई थी। मिस्टर ब्राउनलो। मिस नैंसी, तुम ओलिवर ट्विस्ट के बारे में कुछ बोलना चाहती थी? हाँ, एक आदमी जिसका नाम है मिस्टर मंक्स, जिसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो ओलिवर को चोर बनाकर रहेगा और वो ओलिवर के माता पिता के बारे में भी जानना चाहता है। वो मडफोर्ड के अनाथालय में भी गया था उसके बारे में पता लगाने के लिए। वो किसी किस्म के लॉकेट की तलाश कर रहा था जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है मिस नैंसी, धन्यवाद, मैं इसकी पड़ताल करूँगा। तो मिस्टर ब्राउनलो ने अनाथालय से बीडल को बुलाया और मिस्टर मंक्स को भी अपनी ऑफिस में बुलाया। तो क्या ओलिवर के शरीर पर कोई लॉकेट था जब तुम्हें एक बच्चे के रूप में ये मिला था? हाँ हुजूर, ये रहा वो। एग्नेस, तो मैं सही था, ओलिवर मेरी दोस्त एग्नेस का बेटा है। क्या मैं जा सकता हूँ हुजूर? तुमने वो लॉकेट अपने पास रखा जो उस लड़के का था, तुमने वो इससे चुराया है। तुमने अनाथालय में बच्चों को पर्याप्त खाना नहीं दिया और तुमने ओलिवर को बाहर निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि उसने और सूप मांगा था। तुम्हारी ये जुर्रत। मुझे माफ कर दें हुजूर। तुम जैसे लोग जो बच्चों से चुराते हैं उनका भरोसा नहीं कर सकते। अब तुम मटफट के बीडल नहीं हो और मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। हुजूर, इसे लेकर जाओ। तुम ओलिवर को चोर क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और मेरे पिताजी ने कहा था कि हम में से किसी ने भी कानून के विरुद्ध कुछ किया तो हमारी सारी दौलत दूसरे भाई को दे दी जाएगी। तो तुम चाहते थे कि ये छोटा बच्चा चोर बन जाए ताकि तुम उसका पैसा रख सको? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा करके तुमने कानून तोड़ा है।
तुम भी जेल जाओगे। तुम्हारी दौलत ओलिवर के हिस्से में जाएगी। इसे ले जाओ। मिस रोज, ओलिवर आपकी बहन एग्नेस का बेटा है। ओ, ओलिवर। ओलिवर, तुम एक दौलतमंद लड़के हो और मैं तुम्हें एक परिवार भी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। ओह, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आएगा। लेकिन एक विनती है हुजूर। वो क्या है? जो दौलत मेरे पास है, कृपया उसका इस्तेमाल अनाथालय के बच्चों और फैगिन के गिरोह के बच्चों के लिए किया जाए। मुझे तुम पर गर्व है ओलिवर, और तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही भले और उदार बनना सीखें।